लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी का गुरुवार को सोलन पहुंचने पर स्वागत किया गया। उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपनी बात कही है। अवस्थी ने कहा कि यदि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, वो अगर कांग्रेस में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सहित सभी देश और प्रदेश के शीर्षस्थ नेतृत्व का कि जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी से नवाजा और मुझ पर विश्वास जताया, मैं उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उससे भी बढ़ चढ़ कर कार्य करने का प्रयास करूंगा और सभी को एक साथ लेकर एकजुटता से पार्टी को मजबूती देने का प्रयास करूंगा। और जब जिम्मेवारियाँ मिलती हैं तो चुनौतियां भी आती हैं और इस चुनौती का सामना हम मिलजुल कर करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है वो है जो उपचुनाव होने हैं, लोकसभा के जो चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। इन उपचुनाव में और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मैं प्रयास करूंगा, यही मेरा संकल्प है और यही हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी अपेक्षा है। कांग्रेस पार्टी में कोई भी आना चाहे उनका स्वागत है और आने वाले समय में बहुत से लोग आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में जो है शामिल होने जा रहे हैं। और ये जो घटनाक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक घटनाक्रम का जो अंजाम देने का की कोशिश करी, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी, मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में और इन उपचुनाव में उनको इसका जो है जवाब मिल जाएगा, ऐसा मेरा कहना है।